मणिपुर पिछले 1.5 साल से जल रहा है और एक बार फिर से वहां पर जबरदस्त नफरत और हिंसा भड़क गई है। इस बार नदी में जो तैरती लाशें मिली हैं उसमें से एक लाश एक 8 महीने के बच्चे की है। आपने सही सुना, 8 महीने के बच्चे की। 6 महिलाएं और बच्चों की हिंसा के चलते मौत हो चुकी है। कई शहरों में कर्फ्यू लगा है, इंटरनेट बंद है, अराजक तत्व हाथों में खुले आम असलहे और हथियार लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं। गुस्से से बौखलाए लोग विधायकों का घर तक जलाने को आतुर हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से लापता हैं। जब जब मणिपुर के हालात बदतर होते हैं वो विदेश के दौरे पर निकल जाते हैं और ऐसा उन्होंने एक बार फिर से किया है। जलते हुए मणिपुर को अपने हाल पर छोड़कर वो विदेश के दौरे पर है। पिछले 1.5-2 साल से मणिपुर जल रहा है और इस देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी न शांति की अपील करी है न मणिपुर गए हैं वहां के लोगों की सुध लेने। ये देश का एक राज्य है जो जल रहा है और प्रधानमंत्री को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये वही मणिपुर है जहां पर वो बड़ी बेशर्मी से वोट मांगने जाते थे, लेकिन अब उनको न मणिपुर की त्रासदी, न वहां फैली हुई नफरत, न वहां फैला हुआ आतंक, न लोगों का दुख, दर्द, पीड़ा कुछ भी नजर आता है। असलियत यह है कि इस देश को एक रणछोड़ नहीं चाहिए, इस देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो इस समय मणिपुर के लोगों के आंसू पोंछे और उनको यह एहसास और विश्वास दिलाए कि वो उनके साथ खड़ा है, वो उनके हर सुख दुख का साथी है। जो काम बार बार राहुल गांधी जी ने मणिपुर जाकर किया। गृह मंत्री अमित शाह से खैर कुछ भी अपेक्षा करना बेमानी है, वो चुनाव प्रचार में मशगूल है, मणिपुर में क्या हो रहा है इससे उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। असलियत यह है कि ऐसा लगता है कि ना तो उनको मणिपुर में कुछ करने की नियत है ना शायद कुवत है, लेकिन जलता हुआ मणिपुर अपने प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है। वो प्रधानमंत्री जो मणिपुर को उसके हाल पर छोड़कर बार बार जब सिचुएशन बद से बदतर हो जाती है विदेशी दौरे पर निकल जाते हैं। वहां बच्चे मर रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई झांसी के हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में, और इनो या इलेक्शन प्रचार करते इनो घूम रहे हैं, और वहाँ मणिपुर में वहाँ लोगों का रेप हो रहा है, घर जला रहे, मार रहे, पीट रहे, ये सब हो रहा है, वहाँ भी बच्चे मरे, ये लोग यहाँ महाराष्ट्र के चुनाव में घूम रहे हैं, तो इनको देश के लोगों के प्रति कोई प्रेम नहीं है, उनकी समस्याओं को सुलझाने का उनके पास कोई तरीका नहीं है। और गवर्नेंस जो है, पहले गवर्नेंस करो भाई, आपको चुन के जो जनता ने भेजी, सारे देश का अच्छा करने के लिए भेजी है, लेकिन तुम वो सब छोड़ दिए, यहाँ बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, ये बोलते फिर रहे, और कोई प्रधानमंत्री इतना नहीं फिरा जो अपनी सत्ता बचाने के लिए हर तालुका जाना, हर जगह जाना, ये बताता है कि उनकी कुर्सी डगमगा रही है।